नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए नई नई एप्लीकेशंस अर्निंग के रिलेटिव लाते रहते हैं। सो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पिरामाल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसमें अर्निंग आपकी अच्छी है, तो अगर आपका विड्रॉल लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि दो रीजंस यहां पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। यहां पर आप देखेंगे पहला उन्होंने विड्रॉल लगाया था तो इसमें बैंक अकाउंट एरर का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 24 घंटे के बाद उनको ये ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद में दूसरा विड्रॉल उन्होंने लगाया तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है उस उन्होंने यूज़ किया तो उसमें भी यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर एरर का ऑप्शन आ रहा है। उन्होंने दोबारा से यहाँ पर विड्रॉल लगाया है, जब हमने उनको बताया तब उन्होंने सही किया, उसके बाद में विड्रॉल लगाया तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे के अंदर उनका जो है विड्रॉल सक्सेसफुल लग गया है। यानी कि ये आज की बात नहीं है, ये 25/12/2023 की बात है। आज की डेट में काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं उनको यही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें वो लोग क्या गलतियाँ करते हैं तो चलिए हम अपनी एप्लीकेशन के होम पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको माई वाले सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन का, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, माई बैंक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका नाम, आपका जो मोबाइल नंबर होगा, आपका जो अकाउंट नंबर होगा, आपका जो बैंक होगा उसका नाम, और यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड फिल होगा। तो यहाँ पर आपको सही क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम देखना है, इसमें कोई पॉइंट वगैरह ना लगा हो और ना ही यहाँ पर स्पेस हो। यहाँ पर आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर सही तरीके से, जो आपकी आईडी जिससे ओपन हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। अब इस अकाउंट में आपको याद रखने वाली ये चीज है कि यहाँ पर आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो अकाउंट नंबर फिल करेंगे उसके बाद में या फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक स्पेस आ जाता है, या फिर आप अगर फिल करेंगे उसके बाद में आपको ये स्पेस नहीं देना है। यहाँ पर देखेंगे हमने स्पेस दिया है, उसके बाद में हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे तो यहाँ पर हमारा स्पेस छुटा रहता है। तो हमको क्या करना है, इस स्पेस को आपको हटा देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम आपको फिल करना है। बैंक के नाम में आपका जो भी बैंक हो उसका जो फर्स्ट जो कैपिटल लेटर में नाम फिल करना है, यानी कि जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आपका है तो यहाँ पेटीएम का पी जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, पेमेंट का जो पी है वो कैपिटल होना चाहिए, और बैंक का जो है वो बी वो भी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर भाई हमारे जो आईएफएससी कोड फिल करते हैं उसमें भी स्पेस छोड़ देते हैं, आपको यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी आईएफएससी कोड होगा वो मिसमैच हो जाएगा और आपका जो आईएफएससी कोड है वो सही से वर्क नहीं करेगा, तो इससे आपका पेमेंट भी नहीं आएगा, एरर ही वहां पर दिखाएगा। अगर 2 से 3 बार ने आपने यहां पर बिना सही किए हुए आपने पेमेंट लगा दिया तो यहां पर पेमेंट तो सक्सेसफुल हो जाएगा लेकिन आपकी बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंचेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहां पर स्पेस है, इसी स्पेस को आपको हटा देना है यहां से, और यहां पर आपको अपना विड्रॉल पासवर्ड कंफर्म कर देना है। तो यहां पर आपको इतना याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके कहा है कि हमारा जो विड्रॉल पासवर्ड है वो हम भूल चुके हैं, तो हम उनको बता दें कि अगर उन्होंने बैंक अकाउंट ऐड किया है उसके बाद में उसे भूल गए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंज विड्रॉल पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का नंबर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक नया विड्रॉल पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, उसके बाद में वही विड्रॉल पासवर्ड आपको दोबारा से फिल कर देना है और कन्फर्म कर देना है, तब आपका यहाँ पर विड्रॉल पासवर्ड जो है वो कन्फर्म हो जाएगा और आपका जो भी विड्रॉल पासवर्ड नया आपने क्रिएट किया है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप आईडी लगाते वक्त अगर अपना विड्रॉल पासवर्ड भूल जाते हैं और यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं और आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं ऐड हो रहा, यानी कि आप यहाँ पर अपना विड्रॉल पासवर्ड भूल चुके हैं, तो इसमें भूल कर भी आप रिचार्ज मत कीजिए क्योंकि इसमें कोई चांस नहीं है आपके जो विड्रॉल पासवर्ड है उसे रीसेट करने का। यानी कि जब भी आप इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको विड्रॉल पासवर्ड मांगा जाएगा और आपके पास विड्रॉल पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको रिचार्ज नहीं करना है, वरना आपका जो भी
पेमेंट है वो यहाँ पर फंस जाएगा और आप आईडी लगाने के बावजूद भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप दूसरे मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लें और वहाँ पर अपना जो विड्रॉल पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड उसे ध्यान से बना लीजिए, उसके बाद में उसमें आप रिचार्ज करना, तब आप यहाँ पर परचेज कीजिए, तब आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी जो एप्लीकेशन है वो चल रही है, अब कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो केवल आप 500 से यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आपको परेशानी ना हो। अगर कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर हम पल पल की अपडेट्स देते रहते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, नमस्कार।